जी हाँ दोस्तों, आज भी अंकिता लोखंडे को कई लोग अर्चना के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इनका शो पवित्र रिश्ता काफी हिट जो हुआ था। बता दें दोस्तों, इसी शो से सुशांत सिंह के साथ इनकी जोड़ी बनी थी। लेकिन अंकिता लोखंडे साल 2005 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मुंबई आ गई थी। उन्होंने सबसे पहले 2006 से 2007 के दौरान आइडिया जी सिनेस्टार में हिस्सा लिया था। इसके तुरंत बाद अंकिता लोखंडे का अपना पहला टीवी शो बाली उम्र को सलाम मिला था, जिससे करियर की शुरुआत करने वाली थी। हालांकि कुछ वजह से शो अटक गया। कुछ साल के इंतजार के बाद साल 2009 में अंकिता लोखंडे को एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता में मुख्य किरदार निभाने के लिए मिला मौका, जहां उनकी सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात हुई और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। बता दें दोस्तों कि जैसा कि सभी जानते हैं, अंकिता लोखंडे अब छोटे पर्दे तक सीमित नहीं है, वो बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। अंकिता लोखंडे ने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से 2019 में डेब्यू किया। इसके बाद 2020 में एक्ट्रेस टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में भी नजर आई। बताया जाता है कि अंकिता लोखंडे ने साल 2014 में बॉलीवुड डेब्यू की प्लान कर ली थी। उनको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ऑफर हुई थी, लेकिन फिर आगे बात नहीं बन पाई। इस वजह से अंकिता का डेब्यू कुछ और साल के लिए टल गया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि अंकिता ने सलमान खान की फिल्म सुल्तान के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर यहाँ पर भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपसी मामले सामने आ गए थे। इसी के साथ दोस्तों, पवित्र रिश्ता फेम अंकिता छोटे पर्दे की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में एक समय पर शामिल हुआ करती थी। बताया जाता है कि वो एक एपिसोड के 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक के बीच चार्ज करती थी, यानी कि 1.5 लाख। कम ही लोग जानते हैं कि अंकिता लोखंडे का असली नाम तनुजा है। अंकिता ना सिर्फ ट्रेंड डांसर हैं, बल्कि वो स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।